के माध्यम से हमारे जितने भी अतिथि आज इस लक्ष्य स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में आए हुए हैं, आप सभी लोगों को जनपद बागपत में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे और कप्तान साहब को बुलाया। माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही अर्जेंटली और जो एक एक्सपेक्टेड ड्रेस कोड होता है उसमें नहीं आता है, बिकॉज वी वर बिजी इन समथिंग एल्स और हमने सोचा कि बच्चों को ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, जैसे हैं वैसे चलते हैं। विद्यालय में हम सबकी बहुत सुनहरी यादें रहती हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आज उपस्थित है, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वो अतिथि के रूप में हो, किसी डिस्टिंग्विश गेस्ट के रूप में हो, हम सब ने अपने विद्यालय में अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है। और इस क्योंकि आज आपके सेवन फंक्शन का नाम भी उल्लास है, तो इस हर्षोल्लास के दिन मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा या कोई बहुत ज्ञानवर्धक भाषण देके बोर नहीं करना चाहता हूँ। बस दो लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि विद्यालय में रहते हुए इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, दो चीज़ों को जीवन भर याद रखना बहुत आवश्यक है और सभी विद्यार्थियों को उनके टीचर्स के द्वारा ये बार बार याद रहना जाना बहुत आवश्यक है कि अगर आप सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होंगे, अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तभी आप लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया है, कुछ डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाना है, बस ज़िंदगी के इस्कोले में आप बैठ कर जहाँ ले जाए वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर जीवन जहाँ ले जाएगा वहाँ आप जाएंगे। अगर आपने कुछ जीवन में पाना है, कुछ में अचीव करना है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा और विद्यालय में प्लान करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे टीचर्स की होती है। इसलिए मैं अपने सभी गुरुजनों से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों के टैलेंट को पहचाने, उनके हुनर को दिशा दें और एक ऐसी आने वाली पीढ़ी तैयार करें जो बागपत इन पर गर्व कर सके, ये प्रदेश इन पर गर्व कर सके, ये देश इन पर गर्व कर सके और हम ये गर्व से कह सकें कि इस विद्यालय से पढ़ने वाला, पढ़ के निकलने वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छा नागरिक बन के होता है। मुझे लगता है कि ये सच्ची अपने गुरुजनों के पीछे प्रति आप सभी लोगों की गुरुदक्षिणा होगी और गुरुओं का जो अपने विद्यार्थियों के प्रति प्यार और समर्पण है वो इस बात में प्रदर्शित होगा। हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, ये आदर सत्कार देने के लिए और बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाने के लिए, जो आप लोगों ने कोविड का प्रोग्राम दिखाया, वैसे तो बहुत ही एक जिसे बुरा सपना कहते हैं वैसे बुरा सपना है। मैं कभी कोविड के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, कभी याद करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज अगर मैं पर्सनली आपसे को बताऊँ, कोविड के समय में जो सबसे बड़ी जद्दोजहद एज अ प्रशासनिक अधिकारी मैं और कप्तान साहब जो देखते थे, और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताऊँ तो मुझे लगता था कि शायद हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल उस समय हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन को रोकना था सबसे ज़्यादा, बिकॉज कई बार आप ऐसी चीज़ें करते थे जो समाज ने कभी देखी नहीं है। वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग दिस, जैसा कि एसपी साहब ने बताया, हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतनी बड़ी संख्या में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। वी वर टोटली थिंकिंग नहीं साहब जो करना है हम लोग भी करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, पर समाज ने जिस एकता के साथ, जिस भाईचारे के साथ इस पूरी आपदा को, इस दुविधा को संभाला है वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं और कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि इस हर्षोल्लास के माहौल में आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा नाम कमाएं और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, मेरे भाई का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।